हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, जरा एक बार बताओ फटाफट से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आ, 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 आ. हाँ जी, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरा पढ़ लिया था, यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। आज हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो कृपया करें जरा फ्रेश पेज ले और एक ये चार्ट बनाएं। पहले तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी का चार्ट बनाएं और फिर इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं जी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का चार्ट बनाएं जी, फ्रेश पेज ले लें और सोशलिस्ट इकोनॉमी का चार्ट बनाएं। बस एक बार देख लो ऊपर क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं। सोशलिस्ट इकोनॉमी गिवन बाय कार्ल, KARL MARX, कार्ल मार्क्स इन 1948। इसको कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। बस ये लिख लो, फिर मैं ऊपर कर दूंगा तो आप आराम से देख पाओगे। उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, वैसे गुड मॉर्निंग सबको ही। तो प्रियांक और ओम, साक्षी, सबको बेटा सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कर दूं इसको ऊपर कर दूं? अगर पहले ये देखो इतना दिख रहा है नहीं, तो जूम इन करूं। हाँ जी करो जी। फीचर्स सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। अच्छा पहले ये हो गया, फीचर सबके हो गए, अभी मेरिट्स।
चले जी, हो गए यहां तक। आर ओन्ड बाय स्टेट। करें जी, फटाफट से नोट करें। इट टेक्स अवे बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। हो गए यहां तक। स्टेट मोनोपलीज आर अनकंट्रोलेबल।
चलें जी, हो गया। चलो जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा था। कैपिटलिस्ट का बेसिक मतलब क्या है? जहां पे सारे प्लेयर कैसे हैं, प्राइवेट है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सारे प्लेयर कैसे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर ही है, मान लो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। आप ये मान लो सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब ये जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो ये भी गवर्नमेंट का है, मैं सरकारी टीचर हूँ, लेट आता हूँ पानी और चला जाता हूँ, तो यही कहानी चल रही है। अगर ऐसा सोचो होगा तो क्या होगा? सबसे पहले इसको हम बोलते क्या है, कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, नाम है इसका। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है। और ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था हमको? कार्ल मार्क्स इन 1948 में ऐसा कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था कि ऐसी भी इकोनॉमी हो सकती है। अब जनरल बातें, बहुत जनरल, इसके फीचर्स क्या हैं? कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? कि ओनरशिप, हर रिसोर्स पे जो ओनरशिप है वो सरकार की है, मतलब सबकी है। सरकार किसकी है? आम जनता की तो है, सबने तो, आपने डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने सरकार को तो चुना है, तो मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उस पे हक सबका बराबर है, कलेक्टिव ओनरशिप है। इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्वियसली पूरा देश कैसे चलेगा, जब सिर्फ सरकार होगी तो देश चलेगा कैसे? इकोनॉमिक प्लानिंग से ही चलेगा। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, आप लोग के पास चॉइस करने के लिए कोई ज्यादा खास ऑप्शंस होंगी नहीं। सरकार ने बोला ये रेलवे है, एमटीएनएल जैसे पहले होता था, अभी मोबाइल जब नहीं होते थे, सिम भी इतनी नहीं होती थी, तो एमटीएनएल की लैंडलाइन होती थी। पता नहीं तुम देखी है अभी कि नहीं देखी, तुम्हारे घर में है लैंडलाइन? और अगर लैंडलाइन है भी तो एयरटेल की आ गई है आजकल, और बहुत कम लोग लगा रहे, सब लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं। उससे पहले वो लैंडलाइन होती थी, ऐसे ऐसे डायल करने वाला नंबर, और घर पे होती थी, मोबाइल नहीं होता था। तो वहां पे भी एक तरीके से एमटीएनएल और बीएसएनएल, ये दो ही कंपनी होती थी, बीएसएनएल मुंबई में, एमटीएनएल दिल्ली में होती थी। मतलब बेसिकली क्या, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि आपको एयरटेल लेना है, ये सब था ही नहीं। ये सब हुआ कब है? 1990 के बाद, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद हमारे देश में मोबाइल्स आए हैं। और आज मोबाइल ऐसे आए हैं कि सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। कैमरा खत्म हो गया, अभी थोड़े सालों में देखना टीवी भी खत्म हो जाएगा। टीवी की आजकल क्या रेलेवेंस है? जितना लोग पहले टीवी देखते थे आज उतना देखते हैं क्या? नहीं देखते। सब कुछ ही एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर लो, थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कहानी खत्म। आजकल यही चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो पॉइंट क्या, आपके पास चॉइस करने के लिए कुछ नहीं है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी तो आपके पास एक दो ही ऑप्शन है, वही आपको लेनी है, वही आप उसमें, उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्या है, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और सरकार जहां पे होती है इनइक्वालिटी को दूर करना चाहती है, उसका तो मेन एम ही है, तो वो क्या करेगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने आपको यहां पे पहले ही क्या लिखा है इसके बारे में, ये मेरे दिल की बात है, थियोरिटिकल झूठ है ये। मतलब जो यहां पॉइंट्स लिखे हैं वो बताए जा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी तो ऐसा होगा, लेकिन थियोरिटिकली वो लिखा है, लेकिन थियोरिटिकली वो सब झूठ लिखा है, कुछ सच नहीं है इनमें से, कोई भी बातें सच नहीं है। अगर कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, कैसे होगा भाई? सोनिया गांधी का अकाउंट निकलवा दो तुम, कम से कम उसके पास जो रिपोर्टेड है स्विस बैंक और सब मिला मुलू के 20 लाख करोड़। जीरो पता कितनी होती है? मेरे को भी नहीं पता। 20 लाख और आगे 7 जीरो और करोड़, इतना पैसा उसके पास, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। साले हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है, है नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। ये मतलब थियोरिटिकली बातें लिखी हैं कि ऐसा होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ऑब्वियसली प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है जहां पे प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई की मदद से, वो तो होगा ही नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम ही नहीं कर रही, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और हर फील्ड में एक दो ही ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन है ही नहीं। आपके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्ते दाम में दे रही है, क्योंकि उनका काम है सोशल वेलफेयर, तो आपको वहीं से लेना है, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब इसके फायदे, मतलब फायदे, अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट ही होगी सिर्फ, प्राइवेट प्लेयर नहीं होगा, तो क्या फायदे होंगे? ऐसा बताया गया है किताबों में, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता। जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी की, और वेल्थ और अपॉर्चुनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा, सब लोग के पास पैसा और अपॉर्चुनिटीज बराबर होंगी, ऐसा ये कहते हैं। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। जब से सरकार हमारे देश में, 1950 से कांग्रेस,
आज भी राहुल गांधी जब खड़ा होता है तो वो कहता है हम देश से गरीबी मिटा देंगे, पिछले 50 साल में तो मिटा नहीं पाया, तो आज कैसे मिटा देगा, उसका यही नारा है। तो क्या तो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की, मैं मानता हूं हुई है, पर 50 साल लग गए, अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी हम उसी क्षेत्र में, 50 साल कम नहीं होते, 100 साल कम नहीं होते। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा क्योंकि सरकार अच्छे से इकोनॉमी को प्लान कर रही है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आप देखते ही हो, जब कभी रैली होती है, नेताओं की रैली होती है, फालतू की टोपियां, फालतू के झंडे, फालतू के लोग, वो रिसोर्स क्या हो रहा है वेस्ट? आपको क्या लगता है जो रैली में लोग होते हैं वो असली होते हैं? वो मोदी जी के भक्त हैं जो वो आए हैं तो हम उनके पीछे नारे लगाएंगे, वो असली लोग होते हैं, दिहाड़ी पे मजदूर होते हैं वो। तो वो रिसोर्सेज जो कहीं और लगने चाहिए वो कहाँ लग रहे हैं? नारेबाजी में लग रहे हैं, रैली में लग रहे हैं। मोदी जी की सिक्योरिटी अगर आप देखो, या अंबानी की सिक्योरिटी आप देखो, वो रिसोर्स डिफेंस में लगना चाहिए। अंबानी एक गाड़ी में जाता है, पीछे 40 आगे 40 गाड़ियां जा रही है, तो हो क्या रहा है, रिसोर्स वेस्ट ही हो रहा है। खैर, मैं अंबानी की बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग गवर्नमेंट इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट इकोनॉमी भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बेटर कहते हैं कि होगा, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। इस चैप्टर में ऐसे एक या दो सवाल आएंगे जहां पे एक क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, ऐसा होगा, वहां पे आपको सिक्का उछालना होगा। फैक्ट है, पेपर में ऐसा होता है, आईसीएआर के पेपर में, इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, आउट ऑफ 100 तीन या चार सवाल ऐसे होते हैं जिसके आंसर दो होते हैं, और उसमें से आपकी किस्मत पे बेस्ड है कि कौन सा आंसर उनके सॉल्यूशन में होगा, वही आपको टिक करना होगा। अब दो आंसर है उसमें बात ही नहीं है, कुछ है ही है, मैं क्या करूं, दोनों ही ठीक है, ऐसा होता है। आईसीएआई में अभी तो आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियां बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। आईसीआई, वैसे मुझे माइक पे नहीं बोलना चाहिए, एनीवेज चलो मैं एक सच्ची घटना ही बताता हूँ। एक्चुअल में एक बार पेपर हुआ, ये एक्चुअल सिचुएशन है, बच्चे ने सारे आंसर वो लिखे जो आपके मॉड्यूल मिलता है, आपको आईसीआई से मॉड्यूल मिला ना, उसमें जो आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस के पेपर में, वो वही लिख के आया। मॉड्यूल बनाता है बीओएस, बॉडी बोर्ड ऑफ स्टडीज, अगर आप देखो तो बीओएस पोर्टल एक अलग है इनका, एग्जामिनेशन पोर्टल अलग है। उस बच्चे का वो हो गया फेल, उसने सारे आंसर लिखे वो हो गया फेल, उसने आईसीएआर में अपनी कॉपी रीचेकिंग करवाई और एप्लीकेशन लिखी कि भैया मेरे सारे कॉपी निकलवा ली अपनी, उसने देखा भाई सारे आंसर तो मैंने मॉड्यूल वाले लिखे हैं, फिर भी मेरे आंसर को काट दिया गया, नंबर नहीं दिए गए। फिर उसने एप्लीकेशन लिखी, बहुत बढ़िया केस हुआ था ये, ऐसा केस भी हुआ था, तो उसने एप्लीकेशन लिख दी कि भैया मेरे आंसर तो सारे बीओएस वाले हैं, आपने काट कैसे दिए? तो वहां से क्या रिप्लाई आया, आईसीएआई से क्या रिप्लाई आया कि हम बोर्ड ऑफ स्टडी, हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारा कोई नाता नहीं है बोर्ड ऑफ स्टडी से, आपने जिसकी बुक पढ़ी जाके उसको बोलो। अबे आईसीआई के अंदर ही तो एग्जामिनेशन है, आईसीआई के अंदर ही बीओएस है, एग्जामिनेशन कह रहा है हमारा बीओएस से जो किताबें बनाता है उससे कोई नाता नहीं है, अपनी ऐसी कराओ, सीधी बात, उन्होंने ये लिख के भेज दी। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, कर क्या लोगे आप? तो होता कुछ नहीं, उसके बाद कैंडल मार्च होता है या फिर अगला अटेम्प्ट होता है, और यही दो चीजें होती हैं। आईसीआई कुछ नहीं करता, आईसीआई ऐसे ही है, बचपन से ऐसा है, वो तो हमारी किस्मत थी, हम एक बार में निकल गए। आप अपने दिमाग में ना कभी भी, आईसीआई बोलता है कि हर पेपर में 40 आने चाहिए, एग्रीगेट 50 आने चाहिए, ये दिमाग से निकाल दो। मैंने कम से कम भी पहले 4 साल लगातार आईसीआई के पेपर चेक किए, एग्जामिनर था मैं किसी जमाने में, 4 साल लगातार चेक किए। अभी ये बात मेरे को ऐसे नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि कल को मैं फंस जाऊं, मेरा पता लगे मेंबरशिप चला जाए, कोई फायदा नहीं है। तो एनीवेज चलो, जो भी है वो तो सच्चाई है, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, कल का प्रूफ है मेरे पास। एनीवेज तो होता क्या है, जैसे 400 कॉपी मिली चेक करने के लिए, 400 कॉपीज इन एवरी अटेम्प्ट, हमसे पहले 20 कॉपी चेक करवा के मंगाई जाती हैं कि आप हमें 20 कॉपी चेक करके दो कि आप चेकिंग कैसी कर रहे हो। मैंने 20 कॉपी भेजी जिसमें 5 बच्चों को पास किया, 15 बच्चे फेल थे या किए गए, वॉट एवर, उनका वहां से रिप्लाई क्या आता है, आप बहुत लीनियंट चेकिंग कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करें। 20 में से 5 बच्चे पास थे, वहां से रिप्लाई आता है कि आप थोड़ी चेकिंग कैसी करें, स्ट्रिक्ट करें, मतलब थोड़े से एक आध को और लुढ़काएं। कहने का तात्पर्य इतना सा है। तो आप अपने दिमाग में ये ना लेके चलें कि हमको 40 लाने हैं और 50 लाने हैं, आप अपने दिमाग में लगा के चल लो मुझे 70 या 80 लाने हैं। जहां उनका रिजल्ट 25 या 30% हुआ,
बच्चे पास हुए, उसके बाद 40 से 50 वालों की तो कोई औकात नहीं है, 50 वाले को 39 कर देते हैं, कहानी खत्म, एंजॉय, अगले अटेम्प्ट में आना। अब 39 में बंदे का दिल धड़क जाए भाई, 39 नंबर है, मान लो टोटल पार हो गया, दो टोटल तुम्हारा 400 में से 200 पार है, लेकिन एक पेपर में भी 39 हो गए, कहानी खत्म, मैटर क्लोज है, इतनी सी बस तलवार लटकती है तुम्हारे ऊपर। तो ये सच्चाई है, मतलब मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। तो कृपया करके अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि हमें 40 या 50 नंबर लेके आने हैं, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। 40 50 वाले पे तो तलवार लटक रही होती है, कब उसके 10 नंबर ऐसे काट देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। पिछले अटेम्प्ट में मैथ्स का पेपर इनसे गलती से आसान बन गया, ये फैक्ट है। पिछले अटेम्प्ट में मैथ्स का पेपर इतना आसान आ गया कि बच्चों ने 95 98 लेके आए, और ऑल ओवर इंडिया तो एक किसी के 100 में से 100 भी थे, इतना आसान बन गया। अब फेल कैसे करें बच्चों को, मैथ्स में ही फेल होते हैं, वो पेपर इनसे आसान बन गया गलती से, तो अब फेल कैसे करें। पिछले अटेम्प्ट की आप हिस्ट्री खोल के देखो, लॉ में ऐसी चेकिंग कर मारी कि मतलब जो बच्चा कहता है भाई मुझे लॉ तो रटी हुई थी, पूरे आंसर में सारे सही लिख के आया, वो लॉ में फेल हो गया। अब उसका रीजन समझो, चालाकी समझो इसमें। प्रैक्टिकल पेपर में अगर आप अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए निकलवाते हो तो ये तो कह ही नहीं सकते ना, इसमें आपने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, भाई आंसर मैच कर रहा है, तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है, तो तुम इसमें नंबर काट ही नहीं सकते। मैथ्स और इको में तो नंबर काट ही नहीं सकते, मेरी जो ऑप्शन है मैंने जो टिक की है, और आपकी भी वही ऑप्शन है, आपके सॉल्यूशन बाद में आईसीएआर रिलीज करता है, आपकी भी वही ऑप्शन है, मेरी भी वही ऑप्शन है, तो आप आंसर मेरा काट ही नहीं सकते। वो बच्चों को कहां घुमा सकते थे लॉ में, क्यों लॉ में आपको बोलेंगे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, सेक्शन नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, बातों में घुमा सकते हैं, लॉ थ्योरेटिकल पेपर है, आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, आपने लॉ की लैंग्वेज ऐसा कह कह के घुमा सकते हैं। तो पिछले अटेम्प्ट में जबकि लॉ का पेपर इतना नॉर्मल था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ज्यादातर जनता किसमें फेल हो गई, लॉ में, और कहानी खत्म हो गई उनकी भी। ऐसा होता है, आप अपने दिमाग में ये लेके चलना, मैं डरा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकली एक रियलिटी बता रहा हूं, जिससे कि हम उसको अपने ध्यान में रखते हुए चलें। और ऐसा तो है नहीं कि सीए बन नहीं रहे लोग, सीए तब भी बन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, रिजल्ट भी आ रहा है, पास भी हो रहे हैं। तो हमें उन कमियों को दिमाग में रख के अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करना है, पहला पॉइंट। आप अपने दिमाग में ये लेके चलना, 4 में से कोई एक पेपर फाउंडेशन लेवल पे ऐसा आएगा जो तोते गायब हो जाएंगे, बिल्कुल तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे दिमाग के, ऐसा हो गया, ऐसा होता है, 4 में से 1 पेपर टफ आएगा, और वो एक ऐसा टफ नहीं होगा कि हाय 100 में से 100 ही नहीं आते मेरे को, कहानी खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि हाँ 100 में से नॉर्मली नॉर्मली 20 नंबर का पेपर ऐसा आता है जो ट्रिकी और यू कैन से अबव एवरेज लेवल का होता है, नॉर्मल हर पेपर ऐसा होगा, 80 नंबर का एवरेज, 20 नंबर का अबव एवरेज, ऐसा होगा मैक्सिमम, दिस इज पॉसिबल। लेकिन वो जो एक पेपर होगा उसमें 40 से 50% पेपर या 30 से 40% पेपर होगा जो अच्छे लेवल का होगा, और 50 60% पेपर ऐसा होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब जो एवरेज लेवल का होगा। अब बाई चांस होता क्या है, किसी बच्चे का वही पहला पेपर पड़ जाए, मान लो पहला अकाउंट्स का पेपर ही है और पहला ही वो आ गया, बिल्कुल जो तीर था वो पहला ही आ गया, तो क्या होगा, बच्चों का डिमोटिवेशन हो जाता है, अगला पेपर देने नहीं जाते, ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो वो सब नहीं सोचना है। आपको दिमाग में क्या लेके चलना है, भाई एक पेपर आएगा और वो मुझे दिख जाएगा, अगर मेरी तैयारी पक्की है तो मुझे दिख जाएगा, भाई आईसीए ने फालतू पंगे ले रखे हैं यहाँ पे बस मुझे संभल के निकल जाना है, बाकी इसके नंबर मैं कहीं और कवर कर लूंगा। ऐसा आपको दिमाग में मेंटेलिटी बना के रखनी चाहिए कि बाई चांस, क्योंकि वो पहला पेपर आ जाए, आप कहो जी सर पेपर नहीं आता था मुझे तो टफ, भाई वो एक आएगा, अब तुम हो ही ना लायक, तुम और तुमको कुछ आता ही नहीं, और तुम बोल रहे मेरे 4ों पेपर ही सर ऐसे आए थे, तो फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, वो एक अलग पॉइंट है, पर ऐसा होता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप सीए कर रहे हैं वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, तो आपको ये ध्यान, और ऐसा हर जगह होता है। अब आप समझो ना, सीए फाइनल में 3% रिजल्ट जाता है, अगर हर हर किसी आंडू पांडू को सीए बना देंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। अभी अभी आप देखोगे थोड़े टाइम बाद और बच्चे जब बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग पेपर देते हैं, मेरी भी ये सोच है, उसमें से 50 से 60% तो डिजर्व ही नहीं करते सीए बनना, डिजर्व नहीं करते, मतलब उनकी हरकतें ही ऐसी, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करते। अब होते हैं ना ऐसे लोग भी होते हैं, चलो कुछ नहीं हो रहा चलो सीए कर लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ चलो सीए कर लेते हैं, तो फिर वो चले ही हो जाता है ना, फिर वो चलते ही रहते हैं, वो कभी पास नहीं होते। तो वो सोच आपको नहीं रखनी है, और आपको एक बार में अच्छे से क्लियर करना है,
देखो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ये रियलिटी मुझे बहुत पहले से पता थी। मेरी तीन सिस्टर्स हैं, तीनों CA CS हैं, तो मुझे रियलिटी मेरे दिमाग में घोड़ दी गई थी कि भाई ऐसा होगा, आप तैयार रहना, डंडा कभी भी पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहना। उसके लिए मैंने अपनी तैयारी को जो मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ उससे डबल पहली कर दिया कि भाई मेरे को ऐसे रिस्क लेना ही नहीं है। और एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूँ, विद रैंक क्लियर हुआ हूँ, साथ में CS की है, साथ में रेगुलर कॉलेज भी किया है, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ था कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो तुमने चुनी है खतरे से खाली नहीं है, खतरों के खिलाड़ी होने वाला तुम्हारे साथ, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको अपनी लेवल ऑफ स्टडी थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। दो वर्ड्स अपने जीवन में अगर आप ले आए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन इन द सेंस कि मुझे क्लास जाना ही जाना है, मुझे होमवर्क करना ही करना है, मुझे टेस्ट देना ही देना है, एक डिसिप्लिन की बात बता रहा हूँ। और ये कंसिस्टेंटली करना है, ये नहीं कि 2 महीने तो करा फिर चले गए घूमने, एक हफ्ता क्लास ही नहीं ली, वहां शेरावाली माता कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप एक हफ्ता क्लास नहीं ले रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, नथिंग विल बी पॉसिबल। पेपर में लिखी नहीं आओगे तो भगवान क्या करेगा, पेपर थोड़ी लिखा आपके लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भगवान के प्रति स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए, आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, बट दैट डज नॉट मीन एट द कॉस्ट ऑफ योर पढ़ाई यू आर डूइंग एवरीथिंग एल्स, और पढ़ाई को छोड़ के आप सब कुछ कर रहे हो, वो काम नहीं आता। पढ़ाई सबसे नंबर वन है, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन, ये दो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, और ऐसा 5 साल चाहिए। आर्टिकलशिप में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, अभी आप फाउंडेशन पढ़ो डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, फिर इंटर में 9 मंथ्स मिलेंगे प्रॉपर डिसिप्लिन स्टडी, दिन की 12 घंटे आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 8 से 10 घंटे तो हम कोचिंग पढ़ाएंगे आपको, 2-3 घंटे आपको डेली का रिविजन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वरना सिलेबस इतना सारा है कि आप टाइम पे अटेम्प्ट जब होगा उसके लिए आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। 9 से 10 घंटे तो कोचिंग है, फिर 12-13 घंटे दिन का स्टडी चाहिए, एंड दैट टू कंसिस्टेंटली फॉर 10 मंथ्स। आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटर शुरू होगा, इंटर का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये शेड्यूल आपको 10 से 12 घंटे वाला कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। मैं अपनी रिश्तेदारी में बहुत बदनाम था भाई, कोई मर जाए, कोई जी जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का बर्थडे आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये फैक्ट है। मैं आज भी बदनाम हूं, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेशनशिप्स हैं जो टूट चुके हैं। भाई मैं क्या करूं, मैं CA ना बनूं, मैं नहीं बनूंगा, कल को मैं रेडी लगाऊंगा, तुम भी सबसे पहले उंगली उठाओगे कि ये नहीं पढ़ रहा था, इसे हमें तो पता था, ये तो नालायक है, खेलता रहता है, पढ़ता है नहीं, ऐसा ऐसा सुनने को सब मिलेगा। एंड इट इज अप टू यू, किसी का बर्थडे, मैं पहले ही बोल रहा, किसी का बर्थडे, शादी, शादी तो नहीं, शादी की एनिवर्सरी, मैं ये नहीं कह रहा शादी हर साल आएगी, तो शादी की एनिवर्सरी, बर्थडे, वो तो हर साल आएंगे। यू हैव टू सिलेक्ट, दिवाली हर साल आएगी, होली हर साल आएगी, और आपका अटेम्प्ट भी हो सकता है हर साल आए। यू हैव टू सिलेक्ट आपको हर साल क्या, तो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली, मतलब इस लाइन में CA कौन बनता है, क्या सर 95% वाला CA बनता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या 60% वाला बनता है, ऐसा कोई, सारा चीज डिपेंड करता है। अब आप यहां से, आपकी जो जर्नी शुरू हुई है यहां से, आप क्या एफर्ट और किस सोच के साथ CA कर रहे हो, क्या एफर्ट डाल रहे हो, यहां से डिपेंड करेगा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं 95% वाले CA नहीं बन पाए, और ऐसे भी देखे हैं 60% साइंस बैकग्राउंड और एक बार में फाउंडेशन, एक बार में इंटर, और आज 6th फ्लोर पे भी वो आर्टिकलशिप भी कर रहा है, नमन नाम का बच्चा है, लास्ट ही बैच में था। साइंस बैकग्राउंड से एक बार में फाउंडेशन, एक बार में इंटर, और वो आर्टिकलशिप कर रहा है ऊपर 6th फ्लोर पे, वहीं पे आर्टिकलशिप भी कर रहा है वो। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, जो अभी तक कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th 12th में ना हम भी ऐसे थे, क्लास में कुछ होता नहीं है, स्कूल में कोचिंग में टाइम पास होता है, मतलब ठीक है, वो जो हो गया हो गया। अभी आप प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, एंड दैट टू अभी देश का टॉप 3 टफेस्ट कोर्सेज में आ चुके हो। अब आप 12th से ना, आपने एकदम, जैसे 12th में गाड़ी चलती है पहले गियर पे, अब सीधा आपने लगा दिया 5वें गियर पे, तो स्पीड को झेलने के लिए आप में अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, दैट इज इट। और उसके बाद अभी फाइन, उसके बाद आपकी जब 2 साल आर्टिकलशिप होगी ना, तब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, वहां तो मजे है, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। फिर 2 साल बाद जब 6 महीने 8 महीने आपको फाइनल की पढ़ाई करनी होगी, अगेन आपको डिसिप्लिन मोड में वापस आ जाना है कि भाई मैं पूरा डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली 9 महीने 10 महीने पढ़ लेता हूँ, एक बार फाइनल होगी फिर। अभी जैसे हम लोग हैं, अभी आज एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हाँ मैं सुबह 8:30 क्लास ले रहा हूँ, बट कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना, नहीं तो कल आफत आ जाएगी, फेल हो जाऊंगा, जीवन में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। तो ये आपको सोचना है कि 9-9 महीने के 2 या 3, मान लो अभी 9 मंथ्स लगभग, जिनका दिसंबर में 9 मंथ्स और सेप्टेम्बर वाले अपने हिसाब से लगा लो, उसके बाद इंटर के 9-10 महीने, और उसके बाद फाइनल के 9-10 महीने, ये 3 सेशंस में अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रख लिया तो एक बार में CA हो जाएगी।
क्योंकि एक अटेम्प्ट भी अगर आपका मिस होता है या रह जाता है ना, तो बहुत डिमोटिवेशन होती है, बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू सी, पढ़ना तो है ही ना, देखो बिना पढ़े तो पास हो गई नहीं, तो क्यों ना पहले अटेम्प्ट में ही अपनी पूरी जान लगा दें, तो ये आपको करना पड़ेगा। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार का ये कहना है कि अगर हम पावर में होंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होगा नहीं। सरकार का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, जिससे कम्युनिटी को हेल्प होगी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटेलिटी। मतलब कि जब सरकार सब लोग आपस में सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो कह रहे सब लोग की मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि आपस में सबकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कोऑपरेटिव मेंटेलिटी हो जाएगी। इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। मतलब कि अगर गवर्नमेंट होगी तो वह इंश्योर करेगी, मेक श्योर करेगी कि सबको काम मिले और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बन जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बन जाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होगी नहीं, जो कैपिटलिस्ट में होती थी, और सोशल सिक्योरिटी सबको मिलेगी, सोशली सब लोग, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सब कोई ऐसा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, सोशली सब बराबर रहेंगे, सोशल सिक्योरिटी सबको मिलेगी। अब इसके डीमेरिट क्या हैं? डीमेरिट है, ये थ्योरिटिकल सच है, प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड हाई करप्शन। हाई करप्शन तो ओके, यू ऑल एग्री, ट्रू है। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आपने सुना था एक, अभी बीच में शायद आपने सुना ना हो, सुनाओ, टीना डाबी आईएएस बनी थी, ये इस लाइन का क्या मतलब है? तीन वर्ड्स हैं, प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? जो आईएएस आईपीएस जो हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक। प्री डोमिनेंस का क्या मतलब है? कि जो चलता आ रहा है पुश्तों में, वही वापस से सरकार में आता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश की कांग्रेस गवर्नमेंट, 50 साल से गवर्नमेंट है, पहले राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर कोई और गांधी, ऐसा चलते आ रहे हैं, सोनिया गांधी। तो ये क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेसी में भी प्री डोमिनेंसी चलती आ रही है, सरकार में भी पुश्तैनी वंशवाद चलता आ रहा है, जो अब मोदी जी इस पे चौड़ते हैं कि मैंने वंशवाद को तोड़ा वगैरह वगैरह। तो वो होता है अगर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो, ऑब्वियसली ना, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं यही चाहूंगा मेरा बेटा भी अगला प्रधानमंत्री वही बने, मैं भी यही चाहूंगा, हर कोई ये चाहेगा। तो वो होता है अगर गवर्नमेंट सेक्टर होती है तो। रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट। इसका मतलब क्या है? कि अगर सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट ही सब कुछ चला रही है, तो मेरी फ्रीडम खत्म होगी। अगर मेरे को कुछ और काम करना है, या मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूं, मैं भी अपना स्कूल खोल लूं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मेरी फ्रीडम खत्म हो गई, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट, मतलब गवर्नमेंट। इट टेक्स अवे बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली ना, जब गवर्नमेंट के पास ही सारे रिसोर्स है, तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब घर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो गया, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट। नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और ऑब्वियसली जब सारे ही काम सरकार कर रही है, कोई बिजनेसमैन मार्केट में है ही नहीं। बिजनेसमैन जब मार्केट में होता है तो वो क्या करता है? हार्डवर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है सारा प्रॉफिट ही मेरा है, मैं जितनी मेहनत करूंगा सारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो क्या होगा? उसको पता है भाई मेरे को तो नौकरी पे जाना है, सैलरी मिल जानी है, तो कोई हार्डवर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको मिलने नहीं है। स्टेट मोनोपलीज आर अनकंट्रोलेबल। अगर जहां पे सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो क्या होता है? हम बोल रहे थे कि प्राइवेट मोनोपलीज बन सकती हैं, कोई एक फर्म अगर बड़ी बन गई तो वह फालतू का पैसा चार्ज करेगी। लेकिन ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि किसी एक स्टेट में कोई और सरकार आ गई, वो अपनी मोनोपली बना लेगी। जैसे कि बीजेपी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उसने अपनी मोनोपली बना ली है, दो दो सेशन हो गए हैं, 2 साल मतलब 2 बार आ चुका 10 साल से दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी है, स्टेट मोनोपली हो गई है। वो मोनोपली का मतलब वहां पे और कोई सरकार है नहीं, मतलब और सारी म्यूनिसिपल भी अब आम आदमी पार्टी की आ गई है। मोदी जी से सहन नहीं हो रहा तो उसको जेल में डाल दिया, सीधी बात यही है। तो स्टेट मोनोपलीज क्या हो जाती है? अनकंट्रोलेबल। वो सुनती नहीं है, क्यों नहीं सुनेगी मोदी जी की भाई? क्योंकि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है, उनकी अपनी पॉलिसीज है, स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी है, वो अनकंट्रोलेबल हो रही थी, अपनी मर्जी की बातें कर जाती, सरकार ने उठा के उसको केस में फंसा के जेल में डाल दिया। नेक्स्ट, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस और टू कंज्यूमर्स। आपके पास भी कोई क्या नहीं है? चॉइस है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको रेलवे से जाना है तो सरकार की ही यूज करनी पड़ेगी, वही है, प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं। और लेबर, अगर ऑब्वियसली ना, लेबर जितना ज्यादा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी इज नॉट
रिवॉर्डेड क्यों? क्योंकि भाई उसको तो फिक्स सैलरी मिलनी है, आप अगर ज्यादा मेहनत भी करोगे तो सैलरी तो आपकी उतनी ही रहनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलें जी, ऑनलाइन वालों सबको क्लियर हो गया तो फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो, और एक बार 5 मिनट लगा के वापस से सारे पॉइंट देख लो, कोई डाउट है तो पूछो जी। चले जी, हो गया? नेक्स्ट आओ जी, नेक्स्ट है हमारा मिक्स इकोनॉमी, यानी अब इंडिया की बात होगी, और मिक्स में कुछ भी नहीं है, फीचर्स दोनों के मिला दिए जाएंगे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के, मेरिट्स दोनों के मिला दिए जाएंगे और डीमेरिट्स भी दोनों के मिला दिए जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो हेडिंग डालो मिक्स इकोनॉमी, इसका चार्ट तो बनाए कम से कम। चलें जी, जूम इन कर दूं फीचर्स की तरफ। उधर जगह नहीं थी तो मैं यहां ले गया।
चले जी, मेरिट्स दिखाऊं, जूम इन करके ये वाले उधर वाले नीचे ही नोट कर लेना, जगह बचेगी आपकी। अच्छा पहले बताओ, वो वाले मेरिट्स हो गए? वो वाले तो तुम सबने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा ली? इसके अलावा इसका तो रह गया अभी, बाकी तुम सबने करा लिया ना, तो मेरे को बताना कैसे कराना, इसका भी कराना आज। पढ़ लो फटाफट। अवर्टेड, AVERTED, अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज।
अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। चले जी, हो गए यहां तक। नेक्स्ट डीमेरिट्स। यहां तक हो गया। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। चले जी, हो गया। अब ये जो पूरी टेबल है ये बताती है जी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, लेकिन हम इसको आज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग उससे पहले एक एग्जाम्पल लिखेंगे, मतलब हेडिंग डालेंगे, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पहले हम करेंगे। और नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर प्लस वो मिक्स्ड इकोनॉमी, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे। आप ये नोट करें जी, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, या पहले समझ लो, क्योंकि ऐसे आपको क्या बाल्टी सी बना रखी है, आपको समझ नहीं आएगा। समझ लो पहले क्या है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये क्या आपको क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या है, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के
दो तरीके हैं, तरीका क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इस पे एक सवाल बहुत बार आता है, मतलब एक एक सवाल इस पे बहुत बार आया है पेपर में। इंडक्टिव का मतलब, पहले डिडक्टिव का मतलब समझो, डिडक्टिव का मतलब होता है डिडक्ट करना यानी माइनस करना। माइनस करना इसका मतलब हो गया, एग्जाम्पल समझना, मेरी लाइन में डिफरेंस देखना। मैं बोलता हूं पूरे देश की इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में इसका जीडीपी इतना, इसका जीडीपी इतना, इसका जीडीपी इतना, और फिर मैं बोल रहा हूं क्या मेरी कंट्री का जीडीपी 5%। एग्जाम्पल, तो पहले मैंने कैसे बात की, मैंने स्टार्ट किससे किया, मैंने जनरल स्टार्ट किया और जनरल से फिर अपनी बात की, पर्टिकुलर पे आ गया। जब मैं जनरल बात से स्टार्ट करके पर्टिकुलर पे आता हूं, दैट टाइप ऑफ वे ऑफ सेइंग थिंग्स इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बता रहे हैं कि बात करने का, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले जनरल बात करना और फिर पर्टिकुलर बात करना। एग्जाम्पल, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली सबका प्रॉफिट परसेंटेज जो ईयरली है वो 20% होता है और मेरा 21% है। एग्जाम्पल, तो मैं क्या, ये मैंने कैसे बात की, पहले जनरल बात की, पूरी इंडस्ट्री की बात की और फिर मैं अपनी फर्म पे आ गया। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्म्स। तो पहले पूरी इंडस्ट्री की बात की और फिर मैं अपनी फर्म पे आ गया। दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव का मतलब माइनस करना, माइनस करने का मतलब पहले ज्यादा की बात कर रहा था मैं, फिर कम की बात कर रहा हूं। हमारे घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं हमारे को, जब तुम्हारे नंबर कम आते क्या बोलते हैं, उसके देख कितने, उसके कितने, उसके कितने, और तू अपने देख कितने, ऐसे बोलते हैं घर वाले। तो वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड्स में आपसे बात कर रहे हो। अगर ज्यादा मुझसे डिडक्टिव मेथड में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। इंडक्टिव मेथड इसका उल्टा हो गया, मतलब आप पहले पर्टिकुलर बात करते हो, पहले अपनी फर्म की बात करते हो कि मेरी फर्म का प्रॉफिट इतना है और पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट इतना है। तो आप पर्टिकुलर से किस पे जा रहे हो, जनरल पे। दैट टाइप ऑफ सेइंग थिंग्स इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव का मतलब होता है माइनस करना, माइनस करने का मतलब पहले ज्यादा की बात करना और फिर कम की बात करना। इंडक्टिव का मतलब उल्टा हो गया, पहले पर्टिकुलर की बात करना और फिर जर्नल की बात करना, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। मैंने इसलिए एग्जाम्पल में नीचे लिख दिया, पर्टिकुलर से मैं जनरल पे जा रहा हूं, पहले अपनी कंपनी की बात कर रहा हूं फिर इंडिया की बात कर रहा हूं। जैसे कि पेप्सी का प्रॉफिट अगर 10% है, पूरी इंडस्ट्री का 12% है, तो मैंने पहले फर्म की बात की फिर इंडस्ट्री की बात की है। यहां पे मैंने क्या बोला, मैं पहले पूरे इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में जो हमारी इंडस्ट्री है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, उसका प्रॉफिट 12% है, पेप्सी कंपनी का 10% है। तो मैं पहले जनरल बात कर रहा हूं और फिर कौन सी बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर। तो इस टाइप ऑफ मेथड को हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इसके सवाल भी आपको एग्जाम में एक आ सकता है, बहुत बार देखा गया है। तो अब आप इसको नोट कर ले,
चले जी, हो गया। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, खत्म होने वाला है। हटा दूं इसको? एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के लिए टोटली इररेलेवेंट है, बट एक बुक में है तो करना तो पड़ेगा ही। हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी और थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलें जी, शुरू करें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कोप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप। जब हमारा जो हेडिंग है हमको उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सर, इकोनॉमिक्स के टूल्स को बिजनेस में यूज करना इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सवाल ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का दायरा क्या है, मतलब किस हद तक आप इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, मतलब कौन से एरियाज में यूज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। मतलब सिंपल सा फंडा क्या, आप एक इन सब को छोड़ो, मैं किस फील्ड में इकोनॉमिक्स के टूल्स को अपने बिजनेस में लगा सकता हूं, किस फील्ड में, मतलब डिमांड को चेक करने के लिए, कितनी बुक्स मंगाऊं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, क्लास का क्या फीस रखूं प्राइसिंग पॉलिसी के लिए, कहां कहां कौन कौन से एरियाज में मैं इकोनॉमिक्स के टूल्स को अपने बिजनेस में लगा सकता हूं। यह है कॉन्सेप्ट की हेडिंग। और इसका जवाब क्या है? सर, सारे 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 सब जगह पे आप लगा सकते हो।
और वो सारे चीजों के नाम लिख दिए यहाँ पे बस हमने, कि मैं कहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स के टूल्स को बिजनेस में लगा सकता हूँ। सर सब एरिया में लगा सकते हो, सारे एरियाज में लगा सकते हो, तो सारे एरियाज के नाम लिख दिए। जैसे कि मुझे क्या करना होता है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मैं इकोनॉमिक्स के टूल लगाता हूँ। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कितना बनाऊं मतलब मैन्युफैक्चरर के एंगल से कितना बनाऊं और क्या कॉस्ट आ रही है, मैं वहां इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाता हूँ। इन्वेंट्री कितनी मंगाऊं जो कि डिमांड पे बेस्ड है, मैं वहां इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग हैं, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, और मुझे प्राइस क्या चार्ज करना चाहिए, मैं वहां इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाता हूँ। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कितना पैसा मुझे कैपिटल लगानी है और इन्वेस्टमेंट्स में जो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेजरली मेरी एसेट में क्या क्या होना चाहिए, वहां मैं इकोनॉमिक्स के टूल को यूज करता हूँ। मेरे पास रिसोर्स, ऑब्वियसली हर बिजनेस के पास रिसोर्स क्या अनलिमिटेड है और काम अनलिमिटेड है, तो कौन से रिसोर्स को कब कहाँ कैसे यूज करना है, मैं इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाता हूँ। प्रॉफिट की एनालिसिस करनी है, इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाता हूँ। रिस्क इतना है मेरे बिजनेस में और क्या अनसर्टिनिटी हो सकती है, जो कल हुई थी जैसे नेट चला गया, तो उसके लिए क्या उपाय है। पहले हमारे पास जितना ये रूम है उतना ही साथ वाला रूम होता था, तो उसमें हमारा जो नेट था वो इंटरकनेक्टेड था, अगर यहाँ का गया तो वहां का यूज कर लो, वहां का गया तो यहाँ का यूज कर लो। अभी ये और ये वाला रूम है तो यहां से भी वो वायरिंग हुई नहीं है, वरना हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि यहाँ का चला गया तो वहां का यूज कर लो, वहां का चला गया तो यहाँ का यूज कर लो, दोनों का चला गया तो बच्चे भी चले जाते हैं फिर, तो ऐसा होता है। तो पर इतना है बैकअप है कि हम दोनों का, ऐसा नहीं होता एट ए टाइम दोनों का चला जाए, ऐसा नहीं होता, तो बहुत रेयर चांस होता है। तो एनीवेज, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को मैं एनालाइज करने के लिए भी इकोनॉमिक्स को यूज करता हूं। तो सवाल क्या था, बस सवाल यह था कि आप बिजनेस में इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं उसको किस हद तक या कौन कौन से एरियाज में लगा सकते हो। तो मैं सारे एरिया में लगा सकता हूं, और सर कौन से एरिया एक बिजनेस से लिंक होते हैं, ये सारे एरिया हर बिजनेस से लिंक होते हैं। जहां जहां पे भी एक बिजनेसमैन को डिसीजन मेकिंग करनी होती है वहां वहां पे वो इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगा सकता है, सिंपल सी कहानी है। तो हमने लगा लिए, पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, एग्जाम के लिए कुछ खास रेलेवेंट भी नहीं है इस पे, मतलब आज तक सवाल नहीं आया इस टॉपिक पे आज तक, तो अभी आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग करा देते हैं भाई, कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ छोड़ दिया, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर हो गया, तो हमारा अब रह क्या गया, सिर्फ रह गया इस चैप्टर में मिक्स इकोनॉमी रह गया, और उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद इसकी समरी से, मतलब समराइज एक बार सारा दोबारा से रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर, और उसके बाद आपका क्या काम होगा, आपको इसके एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू करके आप एक बार घर से लेके आओगे, पहली बुद्धि आपकी लगनी चाहिए कि मैंने जब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो मैं एमसीक्यू क्यों नहीं कर पा रहा, अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वहां पे या तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमेशा ये करता हूँ, एमसीक्यू पहली बार मैं क्लास में सत्संग की तरह कराऊंगा नहीं, कि मैं कराया जा रहा हूँ तुम सुने जा रहे हो, अपने आप होता नहीं, फिर अपने आप हाथ चलते नहीं। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट करा दिया डिटेल में, अब आपको एमसीक्यू एक बार करने, ये टेंशन मत लो, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं एक क्लास रखता हूँ एमसीक्यू के लिए, रखता हूँ हर चैप्टर के बाद, वो क्लास में करूंगा, लेकिन एक बार आपकी निगाह से निकले हुए होंगे ना, तो आपको डाउट धीरे धीरे कम आएंगे, और दूसरी बात आपका खुद एनालिसिस करने का दिमाग की क्षमता आपकी बढ़ेगी, स्कोप ऑफ योर माइंड थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि पेपर में ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट अगर आपको सारा आता है, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, और वो आपको खुद एक बार करोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्लास में भी करा सकता हूँ, पर मैंने इससे देखा काफी रिजल्ट में फर्क पड़ा, लोगों की रीडिंग कैपेसिटी, एमसीक्यू क्षमता बहुत बढ़ गई जब उन्होंने पहली बार खुद किया। कॉन्सेप्ट तो सारा आपको आता ही है, तो आपके सारे एमसीक्यू आपको करके लेके आने, नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरी एक डेडिकेट करेंगे ओनली ऑन एमसीक्यूज ओनली, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए